हुण सैन लड़ाई की आ। मुद्दा यह आ कि भारत सरकार बीजेपी देखना चाहती आ कि वाटर टेस्ट कर रही है छोटा जिहा सालों छड़ के असीं बर्दाश्त करते कि नहीं करते। पर एक दिन का सैशन तुहानूं लगता है इहो मुद्दे लई लंबी लड़ाई की गल कर रहे हैं पर खाली एक कागजी कार्रवाई ना बन के रह जाए? देखो हुण इन्हां ने जे एक दिन का सैशन सद्या मैं उहदा भी स्वागत करदा। अगर ये लंबी बहस करके पंजाब के होर भी जिहड़े मुद्दे आ उन्होंने भी नाल इनकलूड किया जाए और हरेक नूं बोलण का मौका मिल जाए तो वह ज़्यादा चंगी गल हुई सी। और यही गल्लां आम आदमी पार्टी अकाली दल साढ़े ते कांग्रेस दे राज आरोप लाते रहे कि कांग्रेस सारे टाइम नहीं देती सारे स्पीकर बोलन का मौका नहीं। हले तक कितना देखते हो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में 300 यूनिट फ्री की गल होए जैतो वाला एपीसोड होया? देखो जी जैतो वाले की तो नखेधी करते हैं शहीद आजम भगत सिंह उन्होंने पग बन के MLA आप जाके कब्जा कराए वो तो मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीवर कर दिया उन्होंने गलत कहे मैं मेरा विश्वास और लेकिन वो कह ना कह बड़ी तलखी सी चलो कई दफा हो जाए अरोड़ा वालों टारगेट किया गया कहते असं नागरिकता चेंज करवाया ने असं लड़ाई लड़ांगे। नागरिकता चेंज करवा हिंदुस्तान पैदा होया कोई बच्चा वो अमेरिकन सिटीजन हो फिर दोबारा नागरिकता अपनी चेंज करा लै किसी के ढिड की पीड़ है बई MLA बन के आया जिहोजा अमन अरोड़ा हो जा राणा प्रताप सिंह आई तकलीफ क्यों हुई अमन अरोड़े राणेंद्र प्रताप से भी वैसे ओहदे ते नहीं कीते कितने होर निशाना मारिया राणेंद्र प्रताप से नहीं क्लीयर कर दे क्लीयर कर दे अज के एक दिन सैशन शामिल होए कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत ने साफ किया कि जैतो के जो किया गया जो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे वालों ट्रक जीते कब्जा करने लगे कितने ना कितने धक्का है तो शहीद भगत सिंह की जी पग बन के हमेशा वो गल करते हैं पंजाब के कदर कीमत लागू करन की वो कितने भी नज़र नहीं आ रही और जिते तक राणा इंद्र प्रताप की नागरिकता के मसले के सवाल जोड़े उठे ने खासकर अमन ने जो टॉन्च किया उससे राणा गुरजीत ने यह कहा कि राणा गुरजीत उन्होंने कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए पर उन्होंने भी कहा कि यह सीधी गल जी है इंद्र प्रताप को लेकर नहीं कही गई है। जी उम्मीद के नाल बलजीत परवाह सक्रोल पंजाब चंडीगढ़।